भारत सरकार ने जो 18 जून को 7 रेलवे की उत्पादन इकाइयों को प्राइवेट करने के लिए, निगम में तब्दील करने के लिए जो चिट्ठी निकाली थी, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा एक विरोध सप्ताह बनाया गया था, जो कि 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, आज उसके अंतिम दिन हमारे कैरिज कारखाने के ऊपर एक द्वार सभा और विशाल प्रदर्शन करके हमने सरकार को हमारी मंशा जाहिर करने का काम किया है। सरकार ने इस पर हमारे जो प्रदर्शन लगातार 29 जून से चालू हैं, उसको देखते हुए 2 जुलाई को वहां पर एक मीटिंग बोर्ड के अंदर बुलाने का काम किया और हमारे महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन को ऐसा आश्वासन भी देने का काम किया है कि अभी हम इसको बेच नहीं रहे, निगमीकरण करने से रोजगार बढ़ेगा, ऐसा हमको उन्होंने कहा है। हमने उनको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है कि अगर आपने इस तरह का कोई कार्रवाई की तो हम बिना नोटिस के रेलों का चक्का जाम करने की काम करेंगे और उसमें उसके लिए सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। उसके तहत आज यहाँ एक बहुत भारी विशाल आम सभा की गई है, जिसमें हमारे यूनियन के महामंत्री साथी मुकेश माथुर ने भी शिरकत करने का काम किया है और लोगों से आह्वान किया है कि आने वाले दिन में बिल्कुल तैयारी के साथ में अपने परिवार को लेकर के तैयार रहना है अगर कोई भी संघर्ष करना है। भूपेंद्र भटनागर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।